हेलो मेंबर्स, अब देखो मेंबर्स, आज का पार्ट टू इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि मैंने आज दो वीडियो ऑलरेडी रख दिए हैं, निफ्टी के बॉटम आउट स्टॉक्स एंड टॉप आउट स्टॉक जो क्रैश हो सकते हैं। देखो, मार्केट जितना भी क्रैश हो, शॉर्ट एंड सिंपल में आपको निफ्टी के जो बॉटम वाले स्टॉक्स है, यानी कि बॉटम पे ट्रेड करते 52 वीक लो, उसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है। जब निफ्टी 19,000, 20,000, 21,000 जाता है, वहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स आपको प्रोवाइड किए हैं जो मेरे हिसाब से ज्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मिड कैप से ज्यादा रिटर्न देने की ताकत रखते हैं। एक बार जाके देखिएगा। ओके, चलो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आज का पार्ट टू छोटा ही रखेंगे, थोड़ा पर्सनल इश्यूज है। ठीक है, FI की सेलिंग कंटिन्यूसली है 1700 करोड़ की। जब तक FI पूरे महीने नहीं आते, तब तक भाई रिटेल निवेशक को प्रॉब्लम रहेगी। UBS, अब देखो, किसी ने पूछा था सर क्या ये 2008 वाला क्रैश है, क्या कोविड जितना बड़ा मार्केट में डीप आएगा। ठीक है, अब देखो कहना मुश्किल है, लेकिन क्रैश तो है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्मॉल इशू, बड़ा इशू है ये। ठीक है, अब अगर ये कंट्रोल कर लेती है यूरोपियन बैंक, यूएस मार्केट, तो फिर पॉजिटिव है वरना नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे तो क्रेडिट शू को बचाने के लिए यूबीएस आया है। 1 बिलियन रिपोर्ट, माफ कीजिएगा, 1 बिलियन डॉलर की यहाँ पे ऑफर रखी गई है। बीच में न्यूज आई थी कि ब्लैक रॉक भी आने वाला है बचाने के लिए, लेकिन अभी उसने ना बोल दिया, ब्लैक रॉक ने ना बोल दिया। तो शायद इसकी वजह से मंडे थोड़ा बहुत मार्केट, इंडियन मार्केट स्टेबल या पॉजिटिव ओपन होने की पॉसिबिलिटी रखता है। ठीक है, लेकिन अभी भी मार्केट में नेगेटिव इश्यूज हैं। तीसरी न्यूज, अब मैं बस देखो, गोल्डमैन सैक ने ये जो क्रेडिट शू की क्राइसिस है उसको देख के यहाँ पे यूरोपियन बैंक को उनके कर्जे को यहाँ पे आउटलुक कम कर दिया है। ठीक है, ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है और इसकी वजह से यूरोपियन मार्केट मंडे शायद थोड़े फॉल कर सकते हैं, और हमारा मार्केट अगर गैप अप ओपन हो भी गया तो फॉल की भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, आप ये समझ सकते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म में इश्यूज हैं, शॉर्ट एंड सिंपल में ये बात समझिए। देखो, एक और क्वेश्चन आता है इसको लेके, सर क्या मैं पोर्टफोलियो मेरा 20% लॉस में है या 40% लॉस में है या 80% लॉस में है, मैं क्या बेच दूं? डेफिनेटली सभी लोग तो डरेंगे ना, रिटेल इन्वेस्टर लोग SIP से डरते हैं भाई, पोर्टफोलियो तो दूर की बात है। ठीक है, देखो मैं सिर्फ आपको वन वर्ड आंसर दूंगा, पता नहीं आपको समझ में आए ना आए, आई डोंट नो, लेकिन ट्राई जरूर करना जो बोल रहा हूं। ठीक है, ट्राई करना। देखो, पूरे इंडिया में, या तो बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, कामयाब पर्सन जो होते हैं ना, बहुत कम होते हैं, 5% होते हैं, 4% होते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर इंडिया में कितने हैं, तो आप इंडिया में टॉप 3 बिलियनर्स ही देखोगे, सभी नहीं बिलियनर्स होते। ठीक है, उनकी सोच दूसरे लोग से अलग होती है, इसकी वजह से वो बिलियनर बने हैं। अब मार्केट क्रैश हो रहा है, इसमें 90% रिटेल निवेशक डरेंगे, 10% पॉजिटिव सोचेंगे, क्या सोचेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, आपको 90% में आना है या 10% में आना है, या तो आप बोल सकते हैं 5% में आना है। ठीक है, टॉप 3 में या टॉप 5 में या टॉप 10 में शामिल होना है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो होम आप मेंबर्स में आप समझ चुके मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, मैं भी आपको पॉजिटिव क्या मतलब समझाना ही चाह रहा हूं एक वे से। हिडनबर्ग रिपोर्ट, अब देखो हिडनबर्ग की वजह से अदानी ग्रुप के जो भी नए प्रोजेक्ट्स है, उस अदानी खुद खुद यहाँ पे सस्पेंड करता हुआ दिखाई दिया। यानी कि मान लो कोई नया प्रोजेक्ट लिया अदानी ने, तो उसका काम उसने खुद रोक दिया, या तो फिर यहाँ पे आगे बढ़ने नहीं दिया, ना बोल दिया वो। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगा। ठीक है, इम्पैक्ट थोड़ा पड़ेगा लेकिन ज्यादा नेगेटिव नहीं। आप ये समझो कर्जा कम करने की कोशिश करने वाले हैं अदानी, और अगर ये कर्जा कम हो गया प्रॉपरली एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड, तो फिर इंडिया के मतलब बोलते हैं ना वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन, उसमें नाम नहीं आएगा, उल्टा यहाँ पे वर्ल्ड के फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन में नाम आएगा, अगर डेब को कंट्रोल करना सीख लिया अदानी ने तो। ठीक है, ये जरूर फोकस करने वाली बात है रिटेल इन्वेस्टर, मैं जो वर्ड बोला है वो सुनिएगा समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। विजय केडिया, देखो विजय केडिया सर ने यहाँ पे एक और स्टेक लिया है अतुल ऑटो के अंदर। मुझसे पूछे सर लेना चाहिए हम लोगों को, तो मैं तो टोटली ना बोलूंगा, मैंने चार्ट्स देख लिया, एज पर माय व्यू थोड़ा रिस्की है, लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखें कि ये लोग लेते हैं तो
तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखते, रिटेल निवेशक शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, मुझे शॉर्ट टर्म में कोई व्यूज नहीं नजर आ रहे, तो थोड़ा केयरफुल रहने का। ओके, अब आप लोगों की क्वेरीज ले लेते हैं। सर मुझे पॉलीप्लेक्स में डर लग रहा है, ऐसा किसी ने मेंशन किया था? एचईएल का भी मेंशन किया था, ठीक है, ये यहाँ पे सर। देखो अभी डर का तो कोई सॉल्यूशन है नहीं कि सर डर का क्या किया जाए, ठीक है, मतलब आपको डर लगे तो अभी उसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी मेरे पास नहीं है ना किसी और के पास होगा। मान लो आपने आईएसईटीसी 1200 पे लिया होता तो, आईएक्स लिया होता तो, या कोई भी फलाना ढिमकाना स्टॉक लिया होता तो, ठीक है, डर तो लगता है मार्केट में है, और डरना, ठीक है, मतलब ये पता नहीं आपको किस तरह का कॉम्बिनेशन है। पॉलीप्लेक्स के अंदर अभी ये ब्रेकडाउन स्टिल कंटिन्यू है, स्टॉक 1000 पे सपोर्ट लेने की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्या खराब स्टॉक है? तो भाई जिन लोगों ने फंडामेंटल नहीं देखे होंगे उनको तो पता नहीं अभी क्या आंसर मैं दूं, ठीक है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेम्पररी बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं, ठीक है। अभी एवरेज मत कीजिएगा, लेकिन हाँ पेशेंस रखिएगा, सोचिएगा एक बार जरूर पॉलीप्लेक्स के बारे में। डिविडेंड इससे अच्छा बेटर रिटर्न मिल जाता है डिविडेंड के अंदर। ओके, उल्टा मैं तो सोचूंगा कि ऐड कीजिए, क्योंकि डिविडेंड बहुत ज्यादा मिलता है, और इतना ज्यादा कि एक बार ये रिकवर करेगा तो प्रॉफिट से ज्यादा डिविडेंड आपको दिखेगा, सोचिएगा जरूर एक बार। देखो सीडीएसएल भी गिर रहा है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सभी स्टॉक्स गिरते हैं, बहुत फाड़ के गिरते हैं। सीडीएसएल में वीकनेस स्ट्रांग है। अब जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होगा मुझसे पूछे तो सीडीएसएल पॉजिटिव नहीं होगा। सीडीएसएल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्लाइंट्स से, जो रिटेल निवेशक है, क्लाइंट्स बढ़ेंगे तो सीडीएसएल ऊपर जाएगा, और क्लाइंट तब बढ़ेंगे जब मार्केट पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा, तो अभी तो सीडीएसएल और नीचे जा सकता है। सर एचएलई ग्लासकोट में एवरेज करे? नहीं मेरे भाई, मैंने चार्ट देख लिया है, अभी के लिए अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा रिस्की बनता है, ठीक है, थोड़ा रिस्की बनता है। एंड पीएनबी हाउसिंग, देखो पीएनबी हाउसिंग में ब्रेकडाउन तब कंसीडर किया जाएगा जब ये स्टॉक 500 के नीचे क्लोजिंग देगा, तो वेट कीजिएगा 500 के नीचे क्लोजिंग, तो फिर ये ब्रेकडाउन है। तो मैम बस मैंने ज्यादातर क्वेरी शॉर्ट आउट कर दिया, होप आपको समझ में आएगी, ठीक है। फिर कोई क्वेरी रह जाती है कमेंट जरूर कीजिएगा, ट्राई करेंगे कुछ फ्यू क्वेरीज लेने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।